हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से बनाना स्टार्ट करती हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम 1 कप सोया चंक्स लेंगे। अगर आप चाहें तो सोया ग्रैनुल्स भी ले सकते हैं। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो देंगे। ये देखिए, 10 से 15 मिनट के बाद ये इस तरह से डबल साइज में हो जाएंगे और इसका टेक्सचर स्पॉन्जी हो जाएगा। अब इसको हम अच्छे से स्क्वीज करेंगे। ये देखिए, और इसको ग्राइंडर में डालेंगे। इसी तरह से हम सभी चंक्स स्क्वीज कर लेंगे और इसको ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए, अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसका क्रम्बली टेक्सचर आएगा। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और बारीक पीस सकते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़े से बड़े पीसेस रहेंगे, तो इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और बारीक भी पीस सकते हैं। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी के सोया चंक्स भी हम इसी तरह से पीस लेंगे और इसको भी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम 1.5 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून मीट मसाला ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और 1/2 कप कर्ड यानी कि दही ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। तो देखिए, इसको हमने अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लिया है। अब इसको ढककर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम ब्लेंडर जार में 1 टमाटर डालेंगे और उसमें 6 से 8 लहसुन की कलियां, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका बारीक पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसका बहुत ही महीन पेस्ट बना लिया है। अब हम एक पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको गर्म होने देंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और इसको क्रैकल होने देंगे। ये देखिए, हमारा ज़ीरा क्रैकल हो चुका है। अब हम इसमें 3 फाइनली चॉप किए हुए अनियन डालेंगे और इसको मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो देखिए, हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो जल्दी से पक जाएं। सॉल्ट आपने ध्यान से ऐड करना है क्योंकि हमने पहले भी सोया में सॉल्ट ऐड किया था। देखिए, टमाटर पक चुके हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डालेंगे और इसको भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जल ना जाएं। इसको फिर से चलाते हुए पका लेंगे। अब इसमें हम 1 कप हरे मटर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं। अगर आप चाहें तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। इसको भी अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। तो देखिए, हमारे मटर अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें हमारे सोया चंक्स ऐड करेंगे। देखिए, इसने अच्छे से मसालों को ऑब्जर्व कर लिया है और ये बहुत ही इसका अच्छा टेक्सचर हो गया है। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। अब इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसको चलाएंगे। अब इसको ढककर हम 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चेक करेंगे। तो लीजिए, हमारा सोया कीमा बन चुका है। इसको अच्छे से एक बार टॉस कर लेंगे। अब इसमें हम पतला और लंबा कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और धनिया ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, ये बनकर रेडी है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसे आप
चपाती के साथ, नान के साथ या पाव के साथ सर्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही नई नई और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स।